खरगोन जिला मुख्यालय पर प्रेम प्रसंग के चलते गुरुवार रात 9 बजे के लगभग युवक प्रवीण पिता सुभाष गांगले निवासी आनंद नगर पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको शुक्रवार को इंदौर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये आनंद नगर है, यहाँ से 3 किलोमीटर अपने खरगोन में ही है, जहाँ पे एक रजनी लड़की, जो 24 वर्षीय युवती है रजनी, वो उसी के पड़ोस में रहने वाला, उसी का समाज का, ये बलाई समाज के उसी लड़के से इनका 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कल इनने कोर्ट में आकर कोर्ट मैरिज करना बताया है और उसकी सूचना देने यहाँ आ रहे थे, तो धक्का मुक्की हुई। यहाँ आने के बाद में, लड़का और लड़की यहाँ आने के बाद में, उसके मम्मी और पापा लड़की रजनी के, कालू गांगले और उनकी पत्नी आ गई थी, उनको समझाया कि हमारे साथ चल सामाजिक स्तर पर वो लड़की किसी तरह मानी नहीं और उनके साथ जाने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद ये यहाँ से, क्योंकि लड़की बालिक है, वो यहाँ से चले गए थे। जब ये बिस्टान रोड पे शाम को 8:30 बजे के करीब, 8:15 बजे खाना खाने जा रहे थे, तो उसके भाई और उनके रिश्तेदारों ने लड़के पे जानलेवा हमला कर दिया, उसके चाकू से उसको मारपीट की। तुरंत पुलिस मौके पर पहुँची थी, उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। और इसमें मुख्यतः जो मारपीट करने वाले 4 आरोपी, जिनको राउंड अप कर लिया है, अभी वैधानिक कार्रवाई करके उनके ऊपर कोर्ट पेश किया जाएगा। लड़का जो आहत था, उसको इंदौर रिफर कर दिया है प्राथमिक इलाज के बाद। अभी क्या कंडीशन है सर उसकी? अभी मेरी तो बात नहीं हो पाई है, वो संपर्क कर रहा हूँ, फिर भी मैं अभी संपर्क करके फिर स्थिति का जायजा लेता हूँ।